चार बार गए, शायद है दूसरी तीसरी बार हो। आजकल भड़ोत जिला उसे कहते हैं। नर्मदा वहाँ उत्तर से दक्षिण को बहती है। दाएं तरफ शुक्ल तीर्थ है और बाएं तरफ कबीर बड़ा है, यानी तट के पश्चिम तरफ शुक्ल तीर्थ है और तट के पूरब कबीर बड़ है, जो आज खड़ा है एक बहुत विशाल बाग के रूप में। 600 वर्ष पुराना है वो। तत्ता और जीवा, ये दो ब्राह्मण बंधु वहाँ रहते थे और कबीर साहब के शिष्य थे। एक बार काफी दिन रह करके जब चलने लगे तो उन दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए और कहे, साहब आप यहीं रहिए, वो टापू जैसा आज भी है, आश्रम है, मंदिर है और वही कबीर बड़ा है, नदी बहती है, तो यहाँ एकांत है, आपको हम चाहते हैं, आप यहीं रहें। तो साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़, सकल की आश मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सब की कामना छोड़ दो और जैसे मैं निष्काम हूँ तैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास, सब सुख तुम्हारे पास है। मेरे पैर पकड़ करके क्या काम होगा? साधु के पैर में चक्के लगे रहते हैं, वो चलता रहता है। उन्होंने कहा, महाराज आप बनारस चले जाएंगे, हम यहाँ कैसे हमारा कल्याण होगा? तो साहब ने कहा, जो गुरबसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। गुरु बनारस में रहते हो और शिष्य समुद्र के पास, समुद्र वहाँ से निकट है कबीरवड़ से, लेकिन अगर सदगुरु का उपदेश शिष्य के हृदय में है तो भूलेगा नहीं, इसलिए देश की दूरी उसमें व्यवधान नहीं कर सकती है। ये साहब का निर्देश आदेशात्मक एक कथन है, जो तू चाहे मुझको छाड़, सकल की आश मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। गुरु कहते हैं, अ शिष्य तू मुझे अगर चाहता है तो जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे तू भी निष्काम हो जा, बस सब सुख तुम्हारे पास है। जीवन का परम सुख आत्म संयम में, इस पर कम लोग ध्यान देते हैं। साधना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ध्यान दें, साधु को तो और करना चाहिए, गृहस्थ को भी करना चाहिए, स्त्री पुरुष सबको। 24 घंटे में निर्धारित कर लो कि इतना समय हम अकेले में बैठेंगे, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे और ध्यान करेंगे, ये तीन बात। अकेले में बैठना, घर में कुछ ऐसी जगह बनानी चाहिए जो हवा प्रकाशदार हो और शांत क्षेत्र हो, वहाँ बैठ जाए। जमीन में बैठना चाहिए, जमीन पर चटाई आसन बिछा लेना चाहिए और ज्ञान वैराग भक्ति के ग्रंथ पढ़ना चाहिए। टीवी जब से आया है और विकार बढ़ गया,
अध्ययन चिंतन मनन की जगह पर टीवी लोग देखते हैं, खुराफात की बात दिमाग में भर लेते हैं। इस पर संयम की जरूरत है। समय निकालें, दो बार समय निकालना चाहिए सुबह शाम, दो बार ना निकले एक बार सही। सबकी योग्यता अलग अलग होती है, स्थिति अलग अलग होती है। जवानी में बहुत व्यस्त है आदमी, कम निकाल पाएगा, बुजुर्ग है ज़्यादा निकाल पाएगा। सबको समय निकालना चाहिए। गृहस्थी नहीं, कितने महात्मा हैं जो समय नहीं निकालते हैं। 24 घंटे ऐसे बीत जाते हैं, खाते सोते बात करते काम करते, बस ऐसे समय बीत जाता है। ये बहुत बड़ी असावधानी है। हर इंसान में बल है अपने आप का उद्धार करने के लिए। आपके लिए कोई भोजन बना सकता है, आपके लिए कोई बिस्तर बिछा सकता है, आपके लिए कोई मकान भी बना सकता है, लेकिन आपके लिए कोई भजन नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता, वो खुद आपको करना है। दवाई स्वयं खाने से रोग दूर होगा, स्वयं भोजन करने से भूख मिटेगी। इसी प्रकार जो मन की पीड़ा है, इसको दूसरा कोई नहीं मिटा पाएगा। मित्र, सतमित्र, संत, गुरुजन की सही राय से तात्कालिक मन की शांति होती है। कोई उलझन है, उद्वेग है, और सतमित्र हैं और उन्होंने दो चार बात कही और मन में शांति आ गई। गुरु संत हैं, लेकिन अस्थाई शांति के लिए स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। बात बात में बड़ा अंतर होता है। एक बात सुन करके मन खलबला जाता है और एक बात सुनते ही मन शीतल हो जाता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि स्वयं किसी के लिए ऐसी बात न करे जो उद्वेगित हो। किसी को उद्वेग पहुंचाने की चेष्टा न करनी चाहिए। और दूसरे ने हमारे लिए किया है तो उद्वेगित ना हो, उसको सह लें। सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। सबको सहना पड़ता है। जिसका जितना व्यापक क्षेत्र होता है उसको उतना ज़्यादा सहना पड़ता है। मनुष्यों का संबंध जितना अधिक होगा उतना अधिक सहना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्यों में हर प्रकार के लोग होंगे। स्वयं सह लेना और दूसरे को सहाने की चेष्टा न करना, ये अपने अहंकार को मारे बिना नहीं हो सकता है। हमारा घोर शत्रु कौन है? हमारे मन में टिका हुआ अहंकार। और बहुत प्यारा लगता है, कोई मान बढ़ाई दे हमें बड़ी खुशी होती है। मान बढ़ाई में फूलना मानो विष ग्रहण करना है। तो अपने मन के अहंकार को मारें, उद्वेग शून्य हो, दूसरे को उद्वेगित न करें। जो जितना उद्वेग शून्य होगा उतना उद्वेगित नहीं करेगा। जो उद्वेगक है, दूसरे को उद्वेग देता है, इसका मतलब है अंदर में वो असंतुलित है, अशांत है। दुखी आदमी दुख देता है, सुखी आदमी सुख देता है। पैसा वाला ही किसी को पैसा दे सकता है, विद्वान किसी को विद्या दे सकता है, ज्ञानी किसी को ज्ञान दे सकता है, दुखी किसी को दुख देता है और सुखी सुख देता है। अगर हम दूसरे को दुख देते हैं तो स्वयं दुख से खाली नहीं।
और देंगे तो और वो फलेगा। एक बीज डालने से पौधा होता है धान का और तीन शाखाएं उसमें निकली और तीन बालियां आएंगी। एक एक बाली में 100-100 दाने भी हो तो 300 दाने हो गए, एक दाना में 300 दाने। इसी प्रकार बुराई और भलाई ये दोनों के फल बढ़ते हैं। बुराई करेंगे उसका फल बढ़ेगा, अच्छाई करेंगे उसका फल बढ़ेगा। अपने को सुधारने के अलावा कोई चारा नहीं है, विवाद चारा नहीं है। विवाद करके समाधान नहीं होता है, सह करके समाधान होता है। फिर निर्णय की जरूरत होती है, निर्णय दिया जाता है, कहीं किसी व्यक्ति का निग्रह भी किया जाता है, दंड भी देना पड़ता है। ये सामाजिक परिस्थिति में ये सब होता है। लेकिन जो रात दिन की बात है वो अपने मन को ही, अपने अहंकार को ही मारना होता है। न्याय नीति की बात जो होती है वो कभी कभी होती है, कभी कभी आपको किसी को दंडित करने की जरूरत पड़ सकती है। रात दिन आप दूसरे को दंड देंगे? पत्नी ने गुस्से में कुछ कह दिया, न तो आप उसके लिए पंचायत बैठाएंगे और न तो उसको दंड देंगे। दंड देंगे तो कब तक चलेगा? इसलिए दंड का विधान, न्याय का विधान इस समय समय से होता है। रात दिन की साधना में सहना सबसे बड़ा तरीका है। सह लेना, दूसरे को सहने की चेष्टा न करना। अपनी बात किसी पर न लादना, दूसरे की उचित बात मान लेना। अपना अधिकार दूसरे पर न जमाना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जब हम दूसरे को अपने अधिकार करने में, अपने में अपने अधिकार करने की चेष्टा करते हैं, तब हम उसी के अधिकार में हो जाते हैं। जो लोगों पर अधिकार करना चाहेगा वो स्वयं दूसरे के अधिकार में हो जाएगा, जो किसी को अपने अधिकार में नहीं करना चाहेगा उसके अधिकार में पूरी दुनिया है। इच्छा ही जब मिट जाती है तो सब पर वो सम्राट हो गया। ये साधना का विषय है। आप कह सकते हैं संत के लिए है, संत के लिए नहीं है। जो दुख न चाहे उसके लिए है। गृहस्थ लोग दुख नहीं चाहते हैं तो उनको भी करना है। संत भक्त की तो दो श्रेणियां हैं। वैसे संत शब्द का अर्थ है सत्य में स्थित है, सत शब्द से संत बनता है, संत शब्द। सत में जो स्थित है वो संत है, चाहे किसी कपड़े में हो। कपड़े के रूप में भी एक मर्यादा है, हम लोगों के अलग वेश हैं, आश्रम अलग है, साधु आश्रम। लेकिन ये तो मानव की बनाई श्रेणी है, इसका अपना उपयोग है। दुख किसी को प्रिय नहीं है। गृहस्थ भी जब दुख नहीं चाहते हैं तो क्या दूसरा रास्ता होगा जिससे दुख ना हो? यही रास्ता है, सह लेना, गम खाना, क्षमा कर देना, शील से रहना, समता से रहना। घर में चार लोग हैं, सबका स्वभाव अलग है, रुचियां अलग हैं, गुणकर्म अलग हैं। बिना सहे किसी का जीवन सुख से नहीं बीत सकता है। साधना के विषय में कह रहा था, साधना में मन देना चाहिए,
अनादिकाल का बिगड़ायल मन है, इसमें तमाम विकार भरे हैं। इस जीवन में भी जब से हो उसमें आए तब से इसमें विकार भरते रहे। उन विकारों का जखीरा पूरा मन में इकट्ठा है, वो आदमी को बैठने नहीं देता है। जो तू जो जानो जीव जा जो जानो जग जीवना जो जानो सो जीव पानी पचावो अपना पानी मागिनत पी। अगर जीव को जानते हो और जीवन जीना जानते हो तो जो पानी पिए हो उसको पचा लो और नया पानी न पियो। ये लाक्षणिक कथन है। जीव शुद्ध तत्व है, मौलिक तत्व है। उसी के विशेषण में आत्मा राम ब्रह्म अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। मूल जीव शब्द है। अगर अपने स्वरूप को समझते हो, अपने आत्मा को समझते हो और जगत में जीने का ढंग समझते हो तो जो पानी पिए हो पचा लो, नया पानी न पियो। ये पानी है वासना, अहंता ममता। जो अहंता ममता आज तक बनाए हो उसको पचा दो, मार दो और नई अहंता ममता न ग्रहण करो। कुछ अहंता ममता करना पड़ता है, मेरा मानना पड़ता है, तब व्यवहार चलता है। श्री काशी साहब ने अपनी वाणी में जहाँ कहीं लिखा है तो प्रायः लिखा है कि दृढ़ अहंता ममता का त्याग। इसका मतलब हल्की अहंता ममता जो व्यवहार के लिए है वो दूषित नहीं। जैसे मेरा घर है, मेरा परिवार है, साधु भी कहते मेरा आश्रम है, ये हल्की अहंता ममता है। विवेकवान समझता है मेरा नहीं, लेकिन व्यवहार के लिए तो कहना पड़ेगा। दृढ़ करके अपना नहीं मानता। सांप अगर अपने बिस्तर पर आ गया है वहां से हटेंगे नहीं या उसको किसी तरफ फेंकेंगे नहीं तो मंगल नहीं। हमारी अहंता ममता सांप है जो हमें रात दिन काट के विषाक्त करता है। इसका त्याग के बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती। ये सब सूझ नहीं हो सकती है जब तक अकेले में न बैठे, स्वाध्याय न करे, चिंतन न करे और ध्यान न करे। सेवा के बाद ये तीन खास हैं। हर आदमी को सेवा परायण होना चाहिए, अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार जहाँ रहे सेवा परायण। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। इसके आगे जो बात है वो तीन है, स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान। स्वाध्याय सदग्रंथों का अध्ययन, चिंतन अपने पर सोचना मेरे मनोविकार कितने शेष हैं, कितने मिट गए, मिटाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। अपने पर चिंतन, आत्मचिंतन। आदमी प्रतिक्रिया में जीता है, जब से नींद खुलती है और फिर जब सोते हैं, इस बीच में आप अपना परीक्षण कीजिए तो कितना समय प्रतिक्रिया में जाता है और कितना समय आत्मचिंतन में। कितने लोगों का तो पूरा जब तक जागते हैं प्रतिक्रिया में ही जाता है, प्रतिक्रिया रिएक्शन। अमुक ने ये कहा तो अब उसको उत्तर दे रहे हैं मन ही मन, अब ऐसा उत्तर देते रहते हैं और कुछ मतलब नहीं। अनुकूल मिला, प्रतिकूल मिला, अनुकूल की भी प्रतिक्रिया होती है, अनुकूल की प्री प्रतिक्रिया होती है, प्रतिकूल की अप्री प्रतिक्रिया होती है। आदमी का मन कुतर्कों से भरा रहता है।
रिएक्शन से भरा रहता है, प्रतिक्रिया से भरा रहता है। प्रतिक्रिया नरक है, चित्त का नरक है प्रतिक्रिया। स्वयं जांच करें, स्वयं सफाई करें, कौन सफाई करेगा? भगवान कृपा कर देंगे, गुरु कृपा कर देंगे, लोग कहा करते हैं। सबकी कृपा है, अपनी कृपा अपने ऊपर करना होगा। भगवान जिसे हम कहते हैं वो परोक्ष है, कल्पना का विषय है। सदगुरु जिसे कहते हैं वो सामने हैं, वो उपदेश कर देगा, करना पड़ेगा खुद। अपने अंदर के विकारों के दृष्टा हम खुद हैं, स्वयं ही उन्हें काट करके निकालना पड़ेगा। और इसके लिए जब रोज प्रयास चलेगा तब आपको इसमें रस मिलेगा और देखेंगे चित्त में बहुत अंतर हो गया। जितना पहले कलह करते थे, उद्वेगित होते थे, अशांत होते थे, लालसाओं से भरे होते थे, वो काफी घट गया। मन को राहत मिल गई है। करते चलें, विकार कटते जाएं। चिंतन और ध्यान, ध्यान का भी अभ्यास सबको करना चाहिए। ध्यान क्या है, नाम की एक छोटी सी पुस्तक है, बुक स्टॉल से आप उसको जरूर लें, 2-3 रुपए की पुस्तक होगी। उसमें सब विधान बताया गया है। रोज ध्यान करें, ध्यान न लगे तो भी ध्यान करें। जिनको अस्थाई बैठने में कठिनता हो, लेटे लेटे करें। करना चाहिए। पहले साधना में कठिनता लगेगी, अभ्यास बढ़ जाने पर सरलता हो जाएगी। स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये तीनों प्रक्रिया लेना चाहिए। रोज आप करते जाएं, देखेंगे आपके चित्त में बहुत अंतर हो गया। शांत जीवन का परम सुख है। जीवन भर जो हम कमाते हैं वो रहता नहीं, मिट जाता है। जहां तक जितनी उपलब्धियां कही जाती हैं, सारी उपलब्धियां शून्य हो जाती हैं। और इन्हीं उपलब्धियों के आश्रय में मनोविकार इकट्ठा होता है। प्राणी और पदार्थ का संग्रह, यही तो हम उपलब्धि मानते हैं, और इसमें विकार इकट्ठा होता है और उसी विकार में हर आदमी का चित्त जलता है। इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। समय भागा जा रहा है, रुकने वाला नहीं, और इसी में शरीर सबका जीर्ण हो जाएगा और एक दिन छूट जाएगा और ये काम वैसे रह जाएगा। समझदार साधक के मन में ये शौक होना चाहिए कि इसी जीवन में मुक्ति का आनंद लें। मुक्ति का आनंद वासना की ग्रंथि का कट जाना है। जब वासना की गांठें कट जाएंगी, सारे विकार क्षीण हो जाएंगे, ऐसी अवस्था में जो चित्त की निर्मल दशा है वही जीवन मुक्ति का सुख है। जीवन मुक्ति का सुख बहुत भारी भरकम है, इसे गृहस्थों को घबराना नहीं चाहिए। केवल साधु वेशधारी जीवन मुक्त होंगे और गृहस्थ वेशधारी नहीं होंगे, ये बात नहीं। जीवन मुक्ति एक बार मिलती भी नहीं। जितना विकार कटता है उतना मन हल्का बनता है, उतने अंश में जीवन मुक्ति होती है, जीते जीते मुक्ति। 4 वर्ष के पहले जो वासनाएं उद्वेगित करती थी अब वे नहीं करती उतनी, तो मुक्ति हुई। व्यापारी कुशलवा माना जाता है,
जो अपने व्यापार का हिसाब किताब रखता है। साधक सही वह माना जाता है जो निरंतर आत्मनिरीक्षण करता है। 4 वर्ष के पूर्व जो उद्वेग था अब नहीं है, 2 वर्ष के पहले था वो नहीं है, गत वर्ष में था वो नहीं है, 6 महीने के पहले जो मन में भ्रांति थी वो नहीं है, तो समझ लो कि अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। अब अगर वैसे विकार हैं कोई उन्नति नहीं, अगर विकार बढ़ रहे हैं तो पतन है। विकार निरंतर घटने चाहिए। भवसागर कहाँ है? ये मन का विकार भवसागर है। इच्छा करि भवसागर जामे बोहित राम आधार, कहाँ कबीर हरि शरण गहु गोखुर बच विस्तार। इच्छा करि भवसागर, इच्छा करके भवसागर बनाया जाता है। विषय वासना की जितनी इच्छाएं हैं यही भवसागर बनाती है। जामे बोहित राम आधार, साहब कहते इस भवसागर से पार होने के लिए राम का आधार बोहित, बोहित नाम जहाज है, राम ही जहाज है। कहें कबीर हरि शरण गहु गोखुर बच विस्तार, साहब कहते हर की शरण लो तो गौ का बछड़ा का जो खुर है कहीं गीली जमीन में पड़ जाए, थोड़ा सा गड्ढा होता है, उसको लागने में क्या कठिनता है। संसार सागर इसी प्रकार वो लांघ जाएगा। जो मन के विकारों को काटेगा राम जहाज पर बैठेगा और हर की शरण लेगा। ये राम क्या है, हरि क्या है, ये सगुण उपासकों के शब्द हैं। साहब इसको कैसे लेते हैं? साहब उदार थे, वे किसी के शब्द से परहेज नहीं करते हैं। सभी शब्दों को लेते हैं और खंडन भी करते हैं, मंडन भी करते हैं। हरि ठग ठगट ठगौरी लाई, हरि ठग है जो ठग रहा है ठगौरी ला करके। ये कौन सा हरि है? मन की भ्रांत से अर्थ है। हमारी ऐसी हरि की कल्पना है जो मन की भ्रांति है, तो हम ठगा गए। लेकिन बाएं दहिने तजु विकारा निजके हरिपद गहिया, बाएं दहिने सब विकार छोड़ दिया, निज स्वरूप हरि है और उसकी स्थित को पा गया, फिर कल्याण हो गया। हरि बिन भरम बिगुरचन गंदा, हरि हीरा जन जौहरी। साहब ने हरि शब्द का प्रयोग बहुत किया। वेदों में हरि का अर्थ होता है अश्व, आत्मा परमात्मा नहीं। हरि का अर्थ होता है अश्व, घोड़ा। वो अश्व है सूरज की किरणें। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ होता है वानर। हरि का अर्थ आत्मा परमात्मा परक, ये ईसा के लगभग बना है। ईसा के बाद इसका ज्यादा विकास हुआ है। राम शब्द का प्रयोग और बाद में हुआ है। 8वीं-9वीं शताब्दी से कुछ कुछ राम नाम भजन शुरू हुआ है। 11वीं शताब्दी में बढ़ गया, फिर बढ़ता चला गया। हरि और राम इन दोनों शब्दों का प्रभाव सद्गुरु कबीर पर पड़ा और उन्होंने इसको लिया। यथास्थान खंडन मंडन दोनों है। अगर राम या हरि परोक्ष है तो उसका खंडन साहब करते हैं, अपरोक्ष है उसका मंडन करते हैं। परोक्ष का मतलब है कल्पना का विषय। 3 विषय सामने हैं आपके, प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय है और परोक्ष मन का विषय है, और अपरोक्ष
मन और इंद्रियों के विश्राम के बाद होता है। कबीर दर्शन में रहस्यवाद में मैंने इसको लिखा है, पहले अध्याय में, आंख नाक कान जीव चाम से जो कुछ जाना जाता है ये प्रत्यक्ष है, और परोक्ष है जो मन का नक्शा है, मन की अवधारणा है, मन की कल्पना है। और जहाँ इंद्रियां शांत हुई और मन शांत हुआ, दोनों शांत हो गए, तो अपरोक्ष है, स्वयं सत्ता रह गई, आत्मसत्ता। इंद्रिय और मन के झरोखे से हम दुनिया को जानते हैं, रिचते हैं और खींचते हैं और बहिर्मुख बने रहते हैं। जब इंद्री मन के झरोखे को हम बंद कर देते हैं तब अपने में लौटते हैं। ये साधना का विषय है। देखते सुनते छूते खाते पीते सोचते थकान नहीं लगी है? थकना चाहिए, बाहर से थके बिना कोई अंदर नहीं लौटेगा। तो कबीर साहब का राम अपरोक्ष परोक्ष नहीं है, कबीर साहब का राम और हरि कल्पना का विषय नहीं है, किंतु वही खुद कल्पक है, स्वयं स्वरूप है। हरि शरण, हरि का आधार स्वरूप स्थित है, अपने में लौट आना हरि शरण है। हरि कोई व्यक्ति नहीं, विश्व के लिए हरि कहा गया, ये पीछे बहुत पीछे कहा गया, विश्व वेद में है और उसका अर्थ होता है प्रवेश करना। सूरज की किरणें सब में प्रवेश करती हैं, इसलिए सूरज को विष्णु कहा गया। इदम विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इदम यहाँ पर विष्णु, विष्णु विचक्रमणे विचक्रमे चला, त्रेधा तीन प्रकार से, निदधे रखा, पदम पैर, यहाँ विष्णु चला तीन प्रकार से कदम रखा। समूढ़ मत्स्य पांसुरे, उसके पैर की धूल से, पांसु नाम धूल, उसके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया, ये अलंकारों में कहा हुआ है। सूरज विष्णु है और उसकी किरणें उसके कदम हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्लोक में उनका पड़ना तीन कदम है। सूरज की किरणें पृथ्वी में पड़ती हैं, अंतरिक्ष यानी आकाश में पड़ती हैं, द्लोक यानी तारामंडल में पड़ते हैं, यही उसका तीन कदम है। तो सूरज को विष्णु कहा गया क्योंकि उसकी किरणें सब में प्रविष्ट होती हैं। आगे चल करके विष्णु एक आकार बनाया गया, चतुर्भुज, उसको विष्णु कहा गया इस सगुण उपासना के लिए। लेकिन असली विष्णु जो उपासनी है वो घट घट में, विष्णु का अर्थ ही जो प्रवेश करे, सब घटों में प्रविष्ट है, वही विष्णु है। आदि दैविक विष्णु प्रकृति का नियम है, आदि भौतिक विष्णु ये प्राण जगत है, आध्यात्मिक विष्णु अपना आत्मा है। कल मैंने इसको विस्तार से कहा था कि सत्ता के तीन अंश, तीन भाग, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक जड़ प्रकृति क्षेत्र, आदि भौतिक प्राणियों का क्षेत्र, आध्यात्मिक अपने आत्मा का क्षेत्र। जो सब में प्रविष्ट करे वो विष्णु है, जड़ प्रकृति में उसके नियम प्रविष्ट हैं तो नियम विष्णु है। नियम को पहचानो, नियम से चलो, ये विष्णु की उपासना है। आपका छोटा सा पेट है, कितना खाना चाहिए ये पेट बताता है,
पेट के अपने नियम हैं। जब काम भर का भोजन पेट में चला जाता है तो अंदर से घंटी बज जाती है कि हो गया, लेकिन चोक चटकार के चक्कर में या थोड़ा और खा लें कौन जाने भूख न लग जाए, असावधानी में और खा ली और विकार पैदा किए। नियम, पेट का नियम बता देता है कि काम भर का हो गया, प्रलोभन में पढ़ करके गलत करते हैं। सब जगह नियम है, उन नियमों को पहचानना और नियम के अनुसार काम करना, ये विष्णु को समझना है। सब घट में जो प्रविष्ट है आत्मा, ये विष्णु है। सबको विष्णु समझना, अपने घट में भी आत्मा प्रविष्ट है, मैं स्वयं हूं, ये स्वयं विष्णु है और यही हरि है। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, विष का अर्थ ही होता है प्रवेश करना। मानस में आता है, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रविश, प्रवेश करके, विष प्रवेश करना, जो घट घट में प्रविष्ट है वो विष्णु है। ये अनुभविक है, वैज्ञानिक है, तथ्य परक है। कोई विष्णु लोक है, घोर काल्पनिक है। ये आत्मलोक ही विष्णु लोक है। कोई अपने मन को समेट ले और अपने आत्मा में निमग्न हो जाए, विष्णु लोक में पहुंच गए। पहुंचना है ही नहीं है, विष्णु लोक में तो मेरा निवास ही है, आत्मा विष्णु है। अब आत्मा में स्थित हो गया, विष्णु में स्थित हो गया, विष्णु को पा गया। कहें कबीर हरि शरण गौ, हरि विष्णु राम की शरण का अर्थ है केंद्र में आ जाना। शरण ही तो होता है किसी महापुरुष के पास जा करके समर्पित हो जाना, यही शरण है। आत्मसमर्पण अंतिम शरण है। तथागत बुद्ध ने कहा अपनी शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ ठीक, लेकिन गुरु कहता अपनी शरण में जाओ। साहब ने क्या किया जब उन्होंने कहा तत्व जीवन कि महाराज आप ही रहिए, तो उन्होंने यही तो कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल किया, मुझे ऐसा हो रो सब सुख तेरे पास। तो उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा तुम अपनी शरण में जाओ। एक केंद्र होता है, दूसरा परिधि, ध्यान दीजिए, केंद्र और परिधि। तेली का कोल्हू, नए बच्चे तो तेली कोल्हू देखे भी ना होंगे, जमाना बदल गया, कोल्हू खत्म हो गया, बैल से तेल पेरना खत्म हो गया, मशीनें हो गई, कोल्हार भी खत्म हो गया। जो बैल से पेरते थे गन्ना, अभी भी कुछ चल रहा है। तेली का बैल चलता है दिन भर, लेकिन केंद्र में नहीं पहुंचता है, परिधि में घूमता है। परिधि चारों तरफ का चक्कर, केंद्र जो बीच का हिस्सा है, जैसे गाड़ी का चक्का है, तो धुरी परिधि में है और वलय जो लोह का पट्टा है वो परिधि में है और धुरा केंद्र में है। आत्मा केंद्र है और मन परिधि। जितना हम सोचेंगे परिधि में घूमेंगे, सोचना बंद होगा केंद्र में आ गए। क्या सोचेंगे, वहां गए वहां गए, घर द्वार सड़क गलियां, राग द्वेष हानि लाभ मान सम्मान विषय वासना, यही सब तो सोचेंगे। इसको न सोचें, दया क्षमाशील विचार सोचें, ये कल्याणकारी है, लेकिन ये भी परिधि ही है। केंद्र में आदमी तब पहुंचता है जब सोचना खत्म हो जाता है। सोचना खत्म होता है ये विश्वास कीजिए, आप अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। साधना की ऐसी अवस्था आएगी
कि आप सोचना छोड़ देंगे और शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, एकदम निरांत शांत, ऐसी अवस्था आएगी। लेकिन इसमें दो चीज की जरूरत है, वैराग की अधिकता और अभ्यास। वैराग शब्द से भी गृहस्थ लोग बिदकते हैं। वैराग एक मन की अवस्था है, कपड़ा नहीं। हम लोगों का कपड़ा वैराग नहीं, ये चिन्ह भर है। वैराग मन की अवस्था है। वैराग का शुद्ध शब्द है विराग, मोह न करना। जितना जो चिंतन मनन करेगा आध्यात्मिक, उतना विराग बढ़ेगा। आखिर चित्त स्थिर क्यों नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है, संयत नहीं होता है, शांत नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बाहर लगा है, विषयों में लगा है। विषयों से छूट गया तो हान लाभ में लगा है, मान अपमान में लगा है, अहंकार की धुरी टूटी नहीं, इसलिए मान अपमान में उबल रहा है। जब अपने अहंकार को मारेंगे तब मान अपमान में भी नहीं उबलेंगे। निमित्त तो जीवन भर मिलेंगे, जैसे कोई यहां आकर के मुझे गाली देने लगे और मैं दुखी हो जाऊं, तो गाली हो देने, दुखी होने में वो गाली देने वाला निमित्त है, लेकिन उपादान, दुख का उपादान मेरे अंदर में है, जो मेरा अज्ञान और अहंकार है। अगर वो खत्म हो जाए, हमारे अंदर का अज्ञान अहंकार खत्म हो जाए, दुख का उपादान, तो निमित्त बेकार हो जाएगा। कोई गाली दे हम दुखी नहीं होंगे। आप ये भी ध्यान दीजिए, जीवन भर आपको निमित्त मिलते रहेंगे, बच नहीं सकते। गाली पाएंगे, बड़े बड़े पुरुष गाली पाए, जीवन मुक्त पुरुष जीवन भर गरियाए गए हैं। कृतार्थ आत्मा पुरुष को गाली दी गई है, कोई बचा नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा सिर नहीं है जो निंदा से बचा। ये देखना है कि हम निंदित कर्म करते हैं कि नहीं। निंदित कर्म न करें, चिंता न करें, चिंताहीन होकर के जिए। दुख का उपादान, उपादान का मतलब है जिससे वस्तु पैदा हो, जैसे भात, भात का उपादान चावल है। भंडारी रसोईया निमित्त है। घड़ा का उपादान मिट्टी है और कुम्हार निमित्त है। हमारे दुख का उपादान हमारा अज्ञान और अहंकार है, और निमित्त तो मिलते रहेंगे। निमित्त की चिंता न करो। अगर अंदर से अज्ञान और अहंकार मिट गया तो निमित्त कुछ नहीं कर पाएगा। आखिर जो मन को जीत लिए उन्हीं को तो बेड़ा पार हुआ। कबीर साहब कभी क्षोभित हुए, कभी क्षोभित नहीं हुए। 52 कसनियां उनके ऊपर बताई गई हैं, वो अतिशयोक्तियों से भरी है, लेकिन उसके मूल में यह है कि उनको कष्ट दिया गया, लेकिन अपने विरोधी के प्रति भी वो क्षुब्ध नहीं हुए। तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी, कोई क्षुब्ध नहीं हुए। अन्य साधक भी, स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, प्रतिकार भावना बिना सह लेना ये तितिक्षा है। प्रतिकार भावना, बदला लेने की भावना न होना। संत ईसा को तकलीफ दी गई, अंत में हत्या भी कर दी गई। अपने हत्यारे के लिए उन्होंने कहा, जब क्रॉस पर लटके थे, कि प्रभु ये नहीं जानते हैं कि हम क्या करते हैं। इतने दयालु पुरुष, इनको क्षमा करना। कोई साधक होगा दुनिया के किसी क्षेत्र में,
सबकी दशा एक है। इसीलिए साहेब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, काहे कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। निमित्त सबको मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सबकी दुष्टों की भी वंदना कर डाली है, ब्राह्मणों को तो बहुत पुचकारा है, लेकिन काशी में ब्राह्मण खार खाए बैठे थे उनके लिए, और उनको रत्ती भर नहीं मानना चाहते थे। कैसा संसार है, जिस महापुरुष ने ब्राह्मणों की फिजूल प्रशंसा की है, पूजी विप्र शील गुणहीना, ये फिजूल प्रशंसा है, बल्कि खतरनाक है। लेकिन उसी महापुरुष को ब्राह्मणों ने सताया काशी में। कोई साधक है, साधना का लक्षण ही है प्रतिकार भावना से रहित होना, हाँ कुसंग से बचना, ये नहीं कि बेवकूफ बना रहे और कुसंग का सेवन करे। जहाँ उद्वेग पैदा हो, जहाँ अशांति पैदा हो, कुसंग रहे, तो विवेकवान उससे बचा के चले, हट के चलेगा, लेकिन उसके लिए मन में दुर्भाव नहीं रखेगा। तो केंद्र आत्मा है, मन परिधि है। आप अपनी परीक्षा कीजिए, कितने समय परिधि में जीते हैं, कितने समय केंद्र में। कितने लोग तो केंद्र समझते ही नहीं, जो समझ गए हैं वो कितने लोग उसमें जीते हैं, परिधि ही में लोग घूमते रहते हैं। स्मरण, स्मृतियां, ख्यालात डूबे रहते हैं उसी में। साधना करते करते ऐसा समय आता है जब साधक की परिधि समाप्त हो जाती है और केंद्र में आ जाता है। सोचना बंद हुआ, केंद्र में आ गए, कहीं आना जाना थोड़े है। चित्त बाहर रम रहा था, परिधि में घूम रहे थे, चित्त शांत हो गया, केंद्र में आ गए। चित्त शांत होते ही केवल दशा, अद्वैत दशा, निर्वाण दशा, स्वरूप स्थित होती है। ये सब के अर्थ एक है, केवल रह जाना, अकेला, अद्वैत हो जाना, अकेला रह जाना, निर्वाण हो जाना, वासनाओं का बुझ जाना, स्वरूप स्थित सहज समाधि, सब एक बात है। मन की एकाग्रता साधना चाहिए। साधते साधते ऐसा क्षण आएगा कि चित्त शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक मिनट अगर चित्त शून्य हो तो उस समय का जो सुख होगा वो अद्भुत होगा। आप 50 वर्ष में पहुंच गए हैं, अगर एक मिनट चित्त बिल्कुल शांत हो गया तो 50 वर्ष में वही एक मिनट आपका जीवन है और बाकी ऐसे गया। ये शौक होना चाहिए। साधना करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, अकेले में बैठें, मन के विकारों को काटें, मन की शांति प्राप्त करने का प्रयास करें। वृत्ति और आत्मा का मिलन, सद्गुरु ने रूपक बहुत बढ़िया दिया है। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हिन मिल गए फीकी परी बरात। साहब कहते हैं स्वरूप स्थित की बात है, आत्म शांत की बात है, कहा सुनी की नहीं। कहा सुना जाता है विचार बनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए और प्रेरणा पाने के लिए। कहा जाता है दूसरा प्रेरित हो, सुना जाता हमें प्रेरणा मिले। तो प्रेरणा पाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कहना सुनना होता है। प्रेरित हो करके जब साधना में साधक दृढ़ हो जाता है तब वो दशा आती है। तो कहां सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, देखा देखी आमने सामने, दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बरात। बारात गई, दूल्हा गया,
दूल्हा तो अपने को सजाता ही है, दूसरे लोग उसको सजाते हैं, बराती लोग भी जितना बन सकता है सज के जाते हैं। बारात में अगर जाना होता है और अपने पास कपड़ा योग्य ना हो तो मित्रों से ले लिया जाता है, जितना बन सकता सब बराती सज के जाते हैं, लेकिन सबका सजना बेकार हो जाता है। दूल्हा गया माड़ो में मंडप में, दुल्हन से मिल गया, दूल्हा दुल्हन मिल गए, और बराती बेवकूफ होके लौट आए, कुछ नहीं पाए। सजे तो खूब बराती लेकिन बेवकूफ होके लौट आए, फीकी परी बरात। यहां अर्थ दुल्हा है आत्मा, दुल्हन है वृत्ति मनोवृत्ति, और बरात है तत्व प्रकृति, ये बाह्य जगत प्रपंच। जब साधना में सन्नद्ध हुए और चित्त स्थिर हुआ तो वृत्ति का आत्मा में लय हो गया। लय होने का मतलब यही है, वृत्ति शून्य हो गई, आत्मा शेष है। तो दूल्हा दुल्हन मिल गए, बारात फीकी हो गई, तत्व प्रकृति फीकी हो गई, जगत प्रपंच फीका हो गया, चित्त सबसे अनासक्त हो गया। बहुत सरल काम है, कठिन इसलिए लगता है कि करते नहीं, थोड़ा दिन करें देखो कितनी उन्नति हो जाएगी। लगन से, लगन का अर्थ है जिसमें हमारी लगन हो, वो काम जब तक पूरा ना हो तब तक हम चैन से ना रहें, ये लगन का लक्षण है। जिसके लिए लगन है वो काम पूरा भी नहीं हो रहा है और हम आराम से रह रहे हैं, कहाँ लगन है। बाहर की चीज में तो परतंत्रता है, किसी को लगन हम प्रधानमंत्री बन जाए, सब तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। किसी को लगन हो कि सोने का मकान बन जाए तो सोने का मकान कहां बन जाएगा। दुनिया की जो संभव बातें हैं उनमें भी लगन होने से मात्र से नहीं हो जाता है। जैसे आप करोड़पति हो जाए ये संभव है, लेकिन सब करोड़पति कहां होंगे, नहीं होंगे। लेकिन जो आत्मस्थित है, आत्म शांति है, सदैव आनंदित होकर के जीना, ये अपने हाथ में, ये तो अपने विकारों को दूर करना है, मनोविकारों को दूर करना और कुछ नहीं करना है। अपने अहंकार ममकार को मारे, मनोविकारों को मारे, सदैव आनंद कंद है। मनुष्य का लक्ष्य वह है जो अपने आप पर निर्भर है और देश काल की दूरी जिसमें नहीं है। इस पर जरा ध्यान दीजिए, जो दूसरे देश में मिले और दूसरे काल में मिले वो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं, इसी काल में और इसी देश में वह है। स्वयं आत्मदेश है, स्वरूप देश है, आत्मदेश है, और इसी काल में वो प्राप्त है। बस अहंकार छोड़ दें, मोह छोड़ दें, आसक्ति छोड़ दें, समझें, छोड़ना शुरू करें, छोड़ते छोड़ते छुटेगा, बहुत दिन का कोड़ है, रगड़ते रगड़ते साफ होगा, लेकिन पक्का है साफ होगा, पूरा साफ होगा। सबकी एकमात्र यही अभिलाषा है कि हम सदैव ऐसे सुख में जिए जिसमें दुख नाम की चीज न हो। ऐसा सुख कहाँ है, दुनिया का सुख तो केवल धोखा है, केवल धोखा है। दुख के अलावा उसमें कुछ भी नहीं, वो चाहे वैवाहिक संबंध हो चाहे गुरुवाई हो। आप कहेंगे ऐसी तुलना क्यों कर रहे हैं, तुलना तो करनी पड़ती है। एक युवक और युवती परस्पर विवाह करते हैं, बहुत भावना रहती, स्वर्ग की भावना रहती, कुछ ही दिन में नरक लगने लगता है, स्वर्ग वर्ग उड़ जाता है, और बुढ़ापा तक पहुंचते पहुंचते तो भाए 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 बस और कुछ नहीं।
गुरुवाई के चक्कर में जो ताव बावले हैं, गुरुवाई से शांत मिलती है? शांति तो मन को निर्मल करने से मिलती है। गुरुवाई के लिए, महंती के लिए मारामारी, राग द्वेष, कलह कल्पना, मुकदमेबाजी, होड़, गुरुवाई भी फांसी है। सहज रूप में निष्काम होकर के सेवा करना ठीक है। थोड़े में अंतर होता है, ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारिक। योग दर्शन का निर्विकल्प दूसरे ढंग का है, वहां कई कैटेगरियां बांटी गई है, वो उनकी शैली है। लेकिन पारक सिद्धांत का निर्विकल्प, वेदांत का निर्विकल्प एक है। संकल्प शून्य हो जाना पारखी और वेदांती दोनों एक ढंग से कहते हैं। और ऐसा होना सरल है, काम करें, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब लगें। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सब प्रतिदिन समय निकालें, अकेले में बैठें, स्वाध्याय करें, आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, लेखा जोखा रोज रखें, मन के विकार कितने घटे। साधना जितनी बढ़ती जाएगी पर निंदा खत्म होती जाएगी, दूसरे की बुराई देखना बंद होता जाएगा, अपनी बुराई रात दिन देखने में फुर्सत नहीं मिलेगी, साधक विनम्र होगा, नम्र हो जाएगा एकदम चारों तरफ से। जो जिसकी साधना जितनी ऊंची बढ़ती जाती है चारों तरफ से उतना वो नम्र होता जाता है। तो दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बरात, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, ये अंतिम बात है। आप लोगों के सामने मैंने शुरू किया कि भाई जितने सज्जन यहाँ आए हैं, संत आए हैं, स्त्री पुरुष आए हैं, इसका शौक करें अकेले में रोज बैठने का, कुछ समय निकालें, ध्यान चिंतन अध्ययन मनन करें। ऐसा जब करना शुरू करेंगे तब साधना में प्रगति होगी। और उसको छोड़ें ना, करते चलें, देखें चित्त में कितना अंतर आएगा। आपकी कमाई, आपकी उपलब्धि चित्त की निर्मलता। बाहर की जितनी उपलब्धियां होती हैं सोलहो आने झूठी है। ये आश्रम है, यहाँ साधु हैं, बहुत सी पुस्तकें मैंने लिख दी हैं, बड़ा प्रचार है देश विदेश में, लेकिन ये सब हमारे लिए कौड़ी कभी नहीं। हमारा मन निर्मल है, शांत है, समाधिस्थ है, तो बस वही हमारा फल है। और अगर कहीं ये बाहर के चकर मकर में भटक गया तो गए। मेरी पुस्तकों से हजारों लोग लाभ लेते रहेंगे हजारों वर्षों तक, और मैं घोटाले में पड़ जाऊंगा। इसलिए मेरी उपलब्धि आपकी गृहस्थी जैसी है वैसे मेरी भी है। आपकी गृहस्थी घर द्वार, बाल बच्चे, खेतबारी, फैक्ट्री, कारखाना, दफ्तर, दुकानें, हम लोगों की उपलब्धि आश्रम, शिष्य शाखा, भक्त समुदाय, प्रचार प्रसार, कीर्ति, आपका भी झूठा है, हमारा भी झूठा है। और दोनों मन फंसाए तो दोनों धोखे में गए। अपनी उपलब्धि है चित्त की निर्मलता, आत्म शांत, आपका परमात्मा, आपका ब्रह्म, आपका राम, आपका अल्लाह खुदा, आपका अस्तित्व, उसमें लौट आए, परिधि को छोड़ें, केंद्र में आए। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।